कैसे हैं आप सब। यशोदा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है दूसरा नवरात्रा, पूरे 9 ही रखे हैं, तो आज तो फास्ट होगा ही मेरा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ है, तो अपना मतलब पहले फास्ट वाले दिन मैंने जो बनाई थी शाम के टाइम, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज दूसरे ब्लॉग वाले दिन। तो आज जो मैं बनाऊंगी वो सिंपल सा ही बनाऊंगी, हल्का फुल्का, कुछ ज्यादा खास नहीं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो रेसिपी बनाई थी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो उसमें मैंने 2-3 डिशें बनाई थी उसमें, और आप उसमें से कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें बनाइए। आप उसमें से एक चीज भी बना लोगे तो आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। और मैंने समा के चावल भी बनाए थे, तो फ्रेंड्स मैं वही थाली आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, मुझे एक बात और करनी थी। मेरी एक फ्रेंड है, और मतलब यूट्यूब आईटी की ही फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है वो मेरी, बहुत पहले से मुझसे जुड़ी हुई है। उनका नाम है चारू बंसल। तो उनका नाम मुझे वैसे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो चैनल पे नाम है वही मैं बोल रही हूँ। उनके चैनल का नाम है चारू बंसल डेली ब्लॉगर। वो मुझसे पूछ रही हैं, मतलब आप मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पर्दे जो हैं, जो मैं दूसरे रूम में जो बैठी ज्यादातर वीडियो बनाती हूँ, उसके पर्दे आप पूछ रही थी कि वो कितने के हैं, कितने मीटर के हैं। तो मेरे पर्दे हैं, मैंने 9 मीटर के लिए हैं, और आज से वो मैंने कम से कम 4 साल पहले पुराने पर्दे हैं वो, ये वाले पर्दे जो मैंने फिलहाल लगा रखे हैं पीछे, ये वाले पर्दे, और उस कमरे के रूम के पर्दे मैंने एक साथ लिए थे, और ये 4 से 5 साल हो गए हैं इसको, ये पुराने हैं। और इनका रेट उस टाइम तो ठीक ठाक था, अभी तो ये जो मेरे पीछे पर्दे लगे हुए हैं ये मुझे 350 रुपए के मिले थे, और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, आपको दिख भी रहा होगा कितनी चमक है कपड़े में। अब भी इसको 5 साल हो गए हैं, और देखिए कितनी चमक है पर्दों में। और वो वाले भी पर्दे मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मुझे 250 रुपए के पड़े थे, जो उस रूम में पर्दे लगे हुए हैं जो आप पूछ रहे थे मुझसे ये इन पर्दों का रेट क्या है। तो वो वाले पर्दे मुझे 250 रुपए के पड़े थे, और 9 मीटर का पर्दा है वो। और अगर आप खिड़की के पर्दे लेने जाओगे तो खिड़की के पर्दे आपको 7 मीटर के बोलने होंगे। अगर आपकी खिड़की छोटी है फिर भी आपको 7 मीटर से कम पर्दा मिलेगा ही नहीं, खिड़की का इससे छोटा पर्दा नहीं मिलता। और 7 मीटर की ये है कि आप सिलाई लगवा लो, उसमें मोड़ लो, तो इनको भी मोड़ना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, इनको थोड़ा थोड़ा एक मतलब उंगल के बराबर। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कितना मोड़ना पड़ता है इनको, तो थोड़ा थोड़ा तो सारे पर्दे मोड़ने ही पड़ते हैं। तो मैंने घर में ही मोड़ लिए थे, और बहुत उस टाइम पे मुझे ठीक ठाक मिल गए थे ये पर्दे। तो अभी आप अगर लेने जाओगे तो ज़्यादा 50 रुपये का फ़र्क दिखाई देगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी मैंने पूछे थे दोबारा से पर्दे तो मुझे ठीक ठाक रेट मिल रहे थे इनके भी। तो ये मैंने बाजार से लिए थे। तो देखिए इस तरीके से इतना मोड़ना है, ये इतने लंबे होते हैं पर्दे, गेट से भी इतने लंबे अगर लाओगे आप 9 फीट का बोल के, 9 मीटर का, तब भी आपको इतना लंबा मिलेगा ये, इतना मैंने मोड़ा है इसको। और उस रूम के भी मैंने इतने ही मोड़े हैं। तो और खिड़की के आपको थोड़ा सा ज़्यादा, आधा मीटर के आसपास आपको फालतू मिलेगा, वो आपको ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा। तो बस आपने पूछा था तो मैं बता रही हूँ आपको, वो वाले पर्दे 250 रुपये के, ये वाले पर्दे 350 रुपये के। तो बस मैंने पास की ही मार्केट से लिए थे, मतलब हमारे पास में ही बाज़ार लगता है, तो मैंने वहाँ से लिए थे पर्दे, कोई मॉल से या किसी दुकान से नहीं लाई हूँ मैं। यही आपको बता दिया है मैंने, आप उसे पूछ रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, तो कमेंट में भी मैं बता सकती थी, लेकिन कमेंट में अच्छी तरह से नहीं बताया जाता, इतना समझ में नहीं आता है कितना कहाँ तक लिखेंगे कमेंट में हम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो तो बना ही रही हूँ, और आज ही आपका कमेंट आया था इसमें, मैंने देखा था वो कमेंट अभी, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं करा है। तो मैंने तो चलिए मिलती हूँ मैं शाम को अपने डिनर के साथ, जो शाम का मैं व्रत वाला डिनर बनाऊंगी, मैं उसके साथ मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, ये थाली मैंने बहुत जल्दी बना ली थी, और ये जो भी मैंने डिश इसमें रखी हुई है, जो भी रेसिपी है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चाहे आप आलू और आलू की भुजिया जो मैंने बनाई है, आलू की भुजिया और दही खा सकते हैं, चाहे आप दही चावल खाएं, चाहे आप कचौड़ी और दही खाएं, या फिर आप चावल और आलू की सब्जी के साथ चावल खाइए। तो ये जो मैंने मठे वाले आलू बनाए हैं ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप एक बार इनको ट्राई करिए। मठे के आलू बहुत सिंपल हैं, आप भी आप देख लीजिएगा कितने सिंपल हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो सबसे मैंने पहले मैंने चावल ले लिए हैं, समा के चावल हैं ये, मैंने एक कटोरी चावल लिए थे, तो मैंने इनको धो लिया है अच्छी तरह से। और इसके बाद मैं इसमें एक कटोरी चावल में 4 कटोरी पानी डाली, तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कितना पानी आप डालते हो उस हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा इन चावलों को जो ज़्यादा पकाती हूँ, क्योंकि मुझे कच्चे से लगते हैं, अगर थोड़े से खिले खिले हो जाते हैं तो इसलिए मैं इनको थोड़ा ज़्यादा पका लेती हूँ, 2 सीटी लगाती हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया था, और अब मैं डाल दिया यहाँ पे मैंने देसी घी इस कुकर में। तो देसी घी मैंने आधे से कम चमचा डाला था, बहुत कम देसी घी डाला था मैंने। और यहाँ सबसे पहले मैंने डाल दी हरी मिर्ची। तो आपको पता है कि मैं जीरा इस्तेमाल नहीं करती, मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं फास्ट में खाने में जीरा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्ची, और साथ ही मैंने तेल में डाल दिया है काली मिर्ची। तो काली मिर्ची मैं ऊपर से नहीं डालती कभी भी, हमेशा तेल में ही डालती हूँ मैं, थोड़ी पक जाती है। अगर आप ऐसे ही डाल दोगे कच्चे मतलब ऊपर से,
तो थोड़ी सी गले में लगती है काली मिर्ची। और मैंने यहाँ पे चावल भी डाल दिए हैं, सेंधा नमक डाल दिया है, और अब मैं लगा दूंगी इसमें 2 सीटी। तो आप अगर खिले खिले चावल खाते हो तो आप 1 सीटी लगाइए बस, और पानी 1 कटोरी कम डालिए अगर आप खिले खिले आपको चावल चाहिए। और अगर आपको थोड़े से मतलब ज़्यादा पके हुए चावल चाहिए अच्छे से, तो आप इसमें 1 कटोरी एक्स्ट्रा पानी डालिए, मतलब 1 कटोरी पानी में, 1 कटोरी चावल में 4 कटोरी पानी। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी अब 2 सीटी। तो जब तक हमारे चावल बन रहे हैं मैं कर लेती हूँ दूसरी तैयारी। तो यहाँ पे मैं 2 सीटी आएंगी तब तक मैं यहाँ पे आलू वगैरह काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं थोड़े से, आधे आलू भुजिया के ले लिए हैं, मैं आलू की भुजिया बनाऊँगी, और आधे आलू के मैं मठे के आलू बनाऊँगी, मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी आधी। तो ये दोनों तरह की सब्ज़ियाँ मैं बनाऊँगी थोड़ी थोड़ी। तो इसके बाद मैंने इसके लिए लिया है हरी मिर्ची ली है, और ये अदरक है कद्दूकस करा हुआ, थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है, धनिया को मैंने धो लिया है, और ये है सेंधा नमक। तो सेंधा नमक तो बर्थ में लगता ही है, थोड़ी सी काली मिर्ची लगेगी, और ये मैंने ले लिया है मठा, क्योंकि मैं मठे के आलू बनाऊंगी आधे, तो ये मैंने मठा भी लिया है। तो मैंने दही को चला लिया था, इसमें हमारे यहाँ मठा नहीं मिलता, तो मैंने दही को ही थोड़ा सा पानी डाल के चला लिया है इसको। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसमें तिल का तेल, तो मैं तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर तिल का तेल डाला है 1/2 चम्मच, और सबसे पहले मैंने डाल दी है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के बाद मैं डाल दूँगी इसमें काली मिर्ची। तो काली मिर्ची को बिल्कुल मीडियम गैस पे ही डालना है, जब गैस बिल्कुल मीडियम हो, तेल ज़्यादा गर्म ना हो तभी डालना है काली मिर्ची को, वरना डालते ही बिल्कुल जल जाएगी, एकदम से काली हो जाएगी, और वैसे भी काली होती है और काली हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है आलू, तो आलू को मैं जब अच्छे से मिक्स कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो सेंधा नमक मैंने डाल दिया है अब, तो नमक को भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और नमक डालने के बाद मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी, और मैंने नमक को मिक्स कर लिया था, और इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो हरा धनिया थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि आलू की भुजिया है बहुत अच्छी लगेगी धनिया के साथ। तो धनिया इसमें अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें, मेरे पास थोड़ा कम था तो मैंने कम ही डाला, वरना अगर होता तो मैं और ज़्यादा डाल देती इसमें, बहुत अच्छा लगता है धनिया आलू की भुजिया में। तो अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के रखूँगी बस, वैसे ये रेडी है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इसको पका लेते हैं हम थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी लगती है ये, थोड़े आलू क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो मैं इसको ढक के रख दिया है मैंने अब, ताकि हमारी जो काली मिर्ची वगैरह है, नमक वगैरह है, अच्छे से आलू में चली जाए, आलू हमारे फीके फीके ना लगे। और अब मैं इसको निकाल दूंगी एक बर्तन में, बस हमारी आलू की भुजिया बनके रेडी है, और ये भी बहुत अच्छी लगती है, आप इसको खाली दही के साथ खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल और डाल लिया है तिल का तेल, और अब मैं यहाँ पे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मठे की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दिया है अदरक, अदरक के बाद मैं डाल दूंगी इसमें सारी हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ, थोड़ी सी तीखी सब्ज़ी चाहिए मुझे, तो मैंने हरी मिर्ची इसमें सारी डाल दी है। और अब मैं इसी में डाल दूंगी थोड़ी सी काली मिर्ची, तो काली मिर्ची मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ इसमें, आधी से भी कम चम्मच मैंने डाली है, मतलब ये चम्मच जो है बहुत छोटी है, तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से डाल सकते हैं आप काली मिर्ची। अगर काली मिर्ची ना डालना चाहें, आप हरी मिर्ची डालना चाहें, तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं खाली। और बस अब इन चीज़ों को थोड़ा सा पका लूँगी। अब मैं डाल दूँगी सीधा इसमें मठा, जो मैंने लस्सी ली है वो डाल देती हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें लस्सी को जब तक चलाऊँगी जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाएगा, वरना आप अगर इसे ऐसे ही छोड़ दोगे डाल के तो ये तुरंत फट जाएगा, ये मठा है और तुरंत फटेगा ये, तो इसको थोड़ा सा चला लूँगी मैं। तो अब मैंने डाल दिया है आलू, ये मठा जो है थोड़ा सा मतलब गर्म हो गया था, मतलब एक बॉयल आने लगा था इसमें हल्का हल्का, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, एक उबाल आने पर ढक के रख दूँगी मैं इसको, और इसको थोड़ा सा हमें पकाना है, मतलब थोड़ा सा हमें ऑयल देना है 1 से 2 थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये और अच्छी टेस्टी बने, जितना हम इसमें उबाल लगाएंगे उतनी अच्छी बनेगी सब्ज़ी मठे के आलू। और यहाँ हम कर लेते हैं आटा तैयार कचौड़ी का। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी कुटू का आटा ले लिया है, कुटू के आटे को मैंने आलू में मिक्स कर लिया है। तो मैंने उबले हुए आलू को कद्दूकस करा था, कच्चा आलू नहीं लिया है, कच्चा आलू लेने से थोड़ा सा टाइम लगता है कचौड़ी पकने में, और पका हुआ आलू लोगे तो आप थोड़ी जल्दी बन जाएंगी कचौड़ियाँ। और मैंने यहाँ पर डाल दिया है सेंधा नमक, तो सेंधा नमक के बाद मैं डालूंगी इसमें काली मिर्ची। तो काली मिर्ची अगर आप नहीं डालना चाहते कचौड़ियों में तो मत डालिए, खाली नमक डाल के बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा चमचा एक ऑयल लिया था, मतलब तिल का तेल डाल दिया था इसमें, और इसको मैं थोड़ा सा चिकनाई के लिए हमें डालना होता है, क्योंकि ये बहुत चिपकता है ये, और इसकी पूड़ियाँ थोड़ी टूटती भी हैं कचौड़ियाँ, थोड़ा सा ऑयल आप डाल लीजिएगा चिकनाई के लिए। और पानी का आप इस्तेमाल तब करें तब आपको लगे कि पानी चाहिए, पहले आलू और आटा पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, पहले से पानी मत डालिए, क्योंकि अगर पहले से पानी डाल दोगे आप तो ये बहुत गीला हो जाएगा। और आपको भी पता है कि जो है ये जो सिंगाड़े का आटा है, मतलब इसका कूटू का जो आटा है, ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है रखने से, तो इसको तभी तुरंत ही बनाइए आटे को जब आपको कचौड़ियाँ बनानी हो। और सिंगाड़े का आटा थोड़ा रख लो तो इतना ख़राब नहीं होता, लेकिन कुटू का जल्दी से गीला पानी छोड़ देता है। तो मैं यहाँ पे लोइयाँ बना ली हैं सारी हमारी कचौड़ियों की, तो इसमें आलू मिक्स है, बहुत अच्छी लगेंगी कचौड़ियाँ खाने में, आप इस तरीके से बनाइए खाली। और इसको भी दही के संग अगर आप खाली खाना चाहें तो बहुत अच्छी लगती हैं ये।
और यहाँ पे हमारी ये सब्जी भी रेडी है बिल्कुल, और एक उबाल आ चुका है, तो जितना हमारा मठा था वो आधा हो चुका है, वही ला के इतना मैंने पकाया है इसको। और अब हमारी सब्जी आलू की रेडी है, मठे के आलू भी रेडी हैं, और अब यहाँ पे हम बना लेंगे कचौड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, तो ये है तिल का तेल, तो ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और मैं इसमें थोड़ा सा अलग से निकाल लूँगी ताकि मैं हाथ में थोड़ा लगा के कचौड़ियों को बढ़ा लूँ। तो मैं कचौड़ियों को जो है कूटू के आटे की कचौड़ी को मैं बिल्कुल भी चकले बेलन से नहीं बेल रही हूँ, हाथ से ही इसको बढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ से बढ़ा रही हूँ मैं इसको। ये हाथ से बहुत अच्छे से बढ़ जाती है और बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है, मतलब हाथ से भी। तो अगर आपको हाथ से नहीं बढ़ानी आती, आप चकले बेलन से भी बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाना पड़ेगा आपको, चाहे हाथ से बनाएं वैसे भी, और वैसे भी अगर पलोथन से बनाना चाहें आप पलोथन से भी बना सकते हैं। पलोथन से जो है तेल ज़्यादा, तेल जो है हमारा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए पलोथन से नहीं बना रही हूँ मैं, हाथ से ही बढ़ा के इसको बना रही हूँ। तो मैं सारी कचौड़ियों को इसी तरीके से बना के और सेक लूँगी। तो अभी मैंने सारी कचौड़ियों को, जितनी भी कचौड़ी मुझे बढ़ानी थी हाथ से, मैंने बढ़ा ली हैं, और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी ऑयल में। तो ये हमें एकदम तेज़ गैस पे नहीं सेकना है इनको, मीडियम गैस पे सेकना है। अगर तेज़ गैस पे सेक देंगे हम तो ये बाहर से बिल्कुल लाल हो जाएंगी लेकिन अंदर से नहीं पकेंगी। तो हमें इनको अच्छे से क्रिस्पी पकाना है ताकि ये बहुत टेस्टी लगे, जितना ये पकेंगी उतनी ही टेस्टी लगेंगी। तो जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं आएगा इसमें एकदम, तब तक मैं इसको पकाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए ब्राउन हो चुकी है एकदम, तो हमें यही कलर लाना है एकदम कचौड़ियों में, और ये बहुत टेस्टी लगती हैं, इसको आप दही के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी सारी रेसिपी बनके रेडी है, और फ्रेंड्स अगर हमारी ये रेसिपी सारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये थाली आपको कैसी लगी। ये बहुत आसान है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में, जितनी भी डिशें बनाई हैं मैंने ये बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।